आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त में की है। उनके पोते जयंत चौधरी के एनडीए के साथ आने की चर्चाएं जब तेज हैं। बताते चले कि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के बारे में सूचना दी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की। इससे पहले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी को पहले ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की जा चुकी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये ऐलान किया है और वो ट्वीट भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो भारत रत्न का ऐलान किया गया है और देखिए, एक साथ तीन भारत रत्न का ऐलान हुआ है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, साथ ही पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस मामले की जानकारी दी। बधाई, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी बात है। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता थे और जमीनी नेता थे, और जिन लोगों को भी भारत सरकार ने इसमें भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है, तो सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके किए गए कामों की वजह से जो देश के विकास के लिए, देश के हित के लिए। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर के बहुत बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। आपको बता दें कि हिंसा भड़काने के लिए हल्द्वानी में उपद्रवियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके थे और अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है। ये वीडियो खुद डीएम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया था और इस वीडियो में आपको हवा में पेट्रोल बम दिखाई देंगे जो उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंके थे। पुलिस अब इन तमाम वीडियोज को वेरीफाई कर रही है। तो जिसने हिंसा फैलाई, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ये निर्देश दे दिए गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से। बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है और निर्देशित कर दिया है कि कार्रवाई की जाए। कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहां पर धारा 144 लागू है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। चार से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और उससे के बाद बताते चले, हल्द्वानी में जो तस्वीरें सामने आई वो अब रूह कपा देने वाली हैं। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रशासन की तरफ से की गई और उसमें बताया गया कि सुनियोजित तरीके से वहां पर हिंसा को भड़काने का कार्य जो था वो किया गया था। जब नोटिस दिया गया था अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तब ऐसी तस्वीरें वहां पर नहीं थी। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी में प्रत्याशियों के लिए नामों पर चर्चा जोरों पर है। ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया के नाम पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी ओम माथुर को राजस्थान से राज्यसभा भेज सकती है, ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, अलका गुर्जर की भी चर्चा है। वही 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। एक सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत होगी। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाना बिल्कुल तय। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आपको बता दें कि व्यापारियों का नगर निगम के बाहर प्रदर्शन जारी है और अश्विनी बाजार व्यापारियों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया है। अश्विनी बाजार को वेंडिंग जोन घोषित करने का विरोध किया जा रहा है और बाजार में कियोस्क नहीं लगाने पर व्यापारी अड़ चुके हैं। निगम ने बैठक के दौरान 65 कियोस्क लगाने के निर्देश दिए थे। महापौर और आयुक्त को दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपा है। तो अश्विनी बाजार में व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों की मांग है कि जो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया गया है
वो फैसला वापस लिया जाए। बताते चले उसके बाद कियोस्क नहीं लगाने पर भी व्यापारी जो है वो अड़े हुए हैं। निगम ने बैठक के दौरान 65 कियोस्क लगाने के निर्देश दिए थे और इसी का विरोध जो है व्यापारी कर रहे हैं। महापौर आयुक्त से मुलाकात की व्यापारियों ने और जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें अश्विनी बाजार को जो बैठक जो थी वो बिल्कुल अधूरी थी, कोरम पूरा नहीं था, जनप्रतिनिधि उसमें नहीं थे, महापौर जी भी नहीं थे, उप महापौर जी भी नहीं थे और भी जो समिति के अध्यक्ष थे उसमें उपस्थित नहीं थे। हम व्यापारी प्रतिनिधि के नाते मैं भी राज्य सरकार की ओर से स्टैंडिंग कमेटी का मेम्बर नियुक्त हूँ। मैंने अपनी बात रखी कि ये बाजार सकड़ा है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा दूसरा मार्ग है जहाँ पर हॉस्पिटल में जाने की एंट्री है। इस रोड पर कलेक्ट्री में जब जाम लगता है या कोई धरना प्रदर्शन होता है या चुनावी समय होता है जहाँ नामांकन की स्थिति में होता है तब सारा ट्रैफिक अश्विनी बाजार होकर गुजरता है। शहर के सारे धार्मिक जुलूस हो या राजनीतिक जुलूस हो या आंदोलन हो वो भी इसी बाजार से होकर गुजरते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, सर्वेयर जो है अपनी मनमानी तरीके से सर्वे कर रहा है, किसी भी तरीके से सर्वे नहीं कर रहा है। हम व्यापारी ने इस बात को पुख्ता रखा, मैंने भी अपनी बात को पुख्ता रखा, लेकिन अधिकारीगण नहीं माने और वो एक प्रस्ताव को पास कर दिया, लीगल नहीं था लेकिन उन्होंने पास कर दिया। पाकिस्तान में भारी उलटफेर हो गया। चुनाव के ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि नतीजों की वजह से पाकिस्तान आने वाले समय में हालात बहुत ही गंभीर वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं कि सेना के उन मुताबिक नहीं है, क्योंकि अब तक जो नतीजे आए उसमें सबसे ज्यादा आंकड़े उन आजाद उम्मीदवारों के हैं जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जुड़े हैं, जिन्हें अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं मिली तो वे निर्दलीय मैदान में उतर गए। और आंकड़े देखिए, 267 सीटों में 94 सीटों के नतीजे आ चुके हैं और इसमें से 39 सीटों पर इमरान खान के समर्थकों ने जीत भी दर्ज कर ली है, ऐसी जानकारी है। जबकि नवाज शरीफ की पार्टी तीसरे नंबर पर दिखी। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने 22 सीटें अब तक जीती हैं और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की, अन्य को 7 सीटों पर फतह हासिल हुई। दूसरा कू हो गया वहाँ पाकिस्तान के अंदर। वहाँ की सेना ये सोच ही नहीं पाई थी, वो तो सोच रही थी कि उसकी दमन की जो नीति है वो काफ़ी कामयाब है। उसने सोचा था कि सारे बड़े लीडर्स पीटीआई के जेल में हैं, इमरान खान जेल में हैं, इमरान खान की पार्टी का सिंबल बल्ला बैट जो था वो कोई नहीं यूज़ कर सकता, पार्टी के कलर्स भी पोस्टर में नहीं कोई लगा सकता, उनकी तस्वीर भी नहीं लगा सकती। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्त मैनेजमेंट लड़कों ने किया। तो मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा नागौर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और सीएम सबसे पहले खरनाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोक देवता वीर तेजाजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद मारवाड़ मुंडवा के निकट वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव एवं गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। यहां से सीएम नागौर जाएंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। शाम करीब 4:15 बजे नागौर के निकट अमरपुरा गांव स्थित संत लक्ष्मीदास धाम मंदिर में दर्शन करेंगे और वहां से करीब 5 बजे गुगलैव पहुंचे, जहां भाजपा के गांव चलो अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोगलेव में ही करेंगे। तो कई कार्यक्रमों में सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने वाले हैं। जयपुर बम ब्लास्ट मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आरोपी ने खुद को नाबालिग बताकर अर्जी दाखिल की थी और यह मांग की थी कि उसे जमानत दे दी जाए। के मामले में आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका हाथ लगा है। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी सलमान ने खुद को नाबालिग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जयपुर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अपने याचिका में आरोपी सलमान ने कहा कि घटना के वक्त वो नाबालिग था, लिहाजा उसे जमानत दिया जाना चाहिए और हाईकोर्ट ने उसके तथ्य को नहीं सुना। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले में सही है और वो हाई कोर्ट के फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और यही आधार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सलमान की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे मामले में आरोपी सलमान ने जयपुर हाई कोर्ट में
ये कहा था कि वो उस समय नाबालिग था जिंदा बम ब्लास्ट के मामले में, लेकिन हालांकि कोर्ट ने भी ये कंसीडर किया कि इस पूरे मामले में उसे जमानत नहीं दिया जाना चाहिए और यही आधार सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी सलमान को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और जिस उम्मीद से आरोपी सलमान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सुबह 11 बजे सरिस्का में आंदोलन के मुकदमे में थानागाजी न्यायालय में पेश हुए। इससे पहले थानागाजी में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहना करके उनका स्वागत किया। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन से शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद उन पर केस दर्ज करने का आरोप लगाया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। किरोड़ी लाल ने कहा कि सरिस्का मार्ग को यथावत रखने के लिए और जल्दी एलिवेटेड बनवाने के लिए वार्ता करेंगे और जनता को आश्वस्त किया जाएगा कि वह थानागाजी के जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। किया था जी सरिस्का बचाओ, आपको पता है सरिस्का बचाओ, उस समय हमने जयपुर कूच किया था तो कोई अशांति नहीं हुई थी, ना कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया, उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। डिडवाना का रुख करेंगे। कुचामन सिटी के अंदर सिविल लाइन के अंदर अनियमितताएं बरतने का मामला सामने आया। शहर की बदहाल हालत को लेकर मानवाधिकार सुरक्षा संगठन राजस्थान का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि शहर के अंदर एलएनटी कंपनी के द्वारा जो सिविल लाइन खोदी गई, जिससे पूरा शहर जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए। सिविल लाइन के चैंबर मुख्य सड़क से 8-8, 9-9 इंच ऊपर है, जिसकी वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। जिस तरह मुख्य सड़कों पर सड़क खोदी गई, जिसकी वजह से एक दूसरे वाहन पर कंकड़ पत्थर गिरने की वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। शहर कुचामन सिटी के अंदर एलएनटी के द्वारा जो सीवरेज लाइन खोदी गई है, उसकी वजह से पूरा शहर कुचामन सिटी की सड़कों पर तोड़ फोड़ करके जर्जर अवस्था में कर रखा है। सड़कों पर गड्ढे, शिवर लाइन के चैम्बर 8-8, 9-9 इंच ऊपर, सड़क पर कंकर पत्थर, जिससे गाड़ियों के टायरों से कंकर पत्थर उछल के पीछे वाली गाड़ी, अड़ोस पड़ोस के दुकानों के काउंटर तोड़ने, सिर के अंदर लगने, एलएनटी वाले की लाल पित्याशाही, इनको बार बार शिकायतों के बावजूद ये सुनवाई नहीं करते हैं। तो अलवर में गंदे पानी की सप्लाई से वार्ड नंबर 39 के लोग खासे परेशान हैं, जिसके चलते लोगों में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। आपको बताते चलिए कि इस वार्ड में वन मंत्री संजय शर्मा का घर भी है। आरोप है कि इसके आसपास के घरों में कई महीनों से नल से गंदा पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत मंत्री संजय शर्मा को की जा चुकी है। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसे में ये एक गंभीर समस्या है। इलाके के लोग जल विभाग से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। हम ये पीछे केशव नगर से आए हैं। अच्छा। हमारी गली ये केशव नगर एक ही है। गंदे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, काफ़ी टाइम से चल रही है। ये पानी आता ही कोई 5-5, 4-4 दिन बाद आता है और गंदा पानी आता है बहुत ज़्यादा, जैसे नाले का पानी होता है ऐसा। इसमें लंबे समय से क्या है कि पानी की समस्या चली आ रही है, पिछले 6 महीने से अधिक से यहाँ गंदे पानी की सप्लाई आ रही है। सवाई माधोपुर के रामनगर डोसी में मोना नाम की एक महिला को बोरवेल में फंसी महिला की जिंदगी जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वो जिंदगी की जंग हार गई है। 60 घंटे बाद महिला को बोरवेल में से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन महिला को अभी तक बोरवेल से नहीं निकाला जा सका। रात 10 बजे गीली मिट्टी आने पर खुदाई कार्य रोक दिया गया था। अब आगे की खुदाई पोकलैंड मशीन से की जाएगी। में फंसी महिला को निकालने के लिए तमाम जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। 6 तारीख की लगभग शाम को 8 बजे ये जो महिला है ये बोरवेल के अंदर गिर गई थी और उसके बाद में परिजनों को 7 तारीख को 12 बजे पता लगा और जिला प्रशासन यहाँ पर 7 तारीख को 1 बजे पहुंचा। उसके बाद में जो लगातार प्रयास है महिला को निकालने के लिए वो लगातार किए जा रहे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले बोरवेल के ऊपर से यहाँ पर SDRF की टीम तथा NDRF की जो टीम है उसने ऊपर से ही महिला को निकालने के लगातार प्रयास किए, लेकिन
लेकिन उसके अंदर वो असफल रहे। लगातार ये प्रयास जारी रहे, 8 तारीख की शाम तक ये लगातार प्रयास जारी रहे। 8 तारीख की शाम को 2 जेसीबी मशीन तथा 2 एलएनटी मशीन की के द्वारा लगातार खुदाई की गई। 135 फीट दूर से लगातार ये खुदाई की जा रही थी, 10 से 15 फीट लगातार ये खुदाई की गई और खुदाई के अंदर जब गीली मिट्टी आने लगी तब विशेषज्ञों की राय के अनुसार ये जो खुदाई कार्य था ये रोक दिया गया। और रोकने के उपरांत उसके बाद में अब जयपुर से पाइलिंग मशीन मंगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त पाइलिंग मशीन है, वो यहाँ पर पहुँच गई है और पाइलिंग मशीन के पहुँचने के उपरांत लगातार जो विशेषज्ञ हैं, जो मिस्त्री हैं, जो कारीगर हैं, वो इसे तैयार करने का काम कर रहे हैं। अब इसके जो बोर यहाँ पर है उस बोर के बराबर में पैरेलल के अंदर ही ये जो पाइलिंग मशीन है ये एक बड़ा गड्ढा करेगी और जब 90 फीट के लगभग ये जब गड्ढा पहुँच जाएगा तब उसके उपरांत एक सुरंग की तरह से बनाया जाएगा और महिला को निकालने के प्रयास लगातार किए जाएंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 बामनवास। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर गिरिराज जुड़ चुके हैं। गिरिराज, प्रशासन का क्या कहना है सबसे पहले तो ये बताइए और वहां के हालात की जानकारी दीजिएगा। देखिए मैं ताजा अपडेट आपको बता दूं, हाँ। पाइलिंग मशीन यहां पर पहुंच गई है। पाइलिंग अपरिहार कारणों की वजह से संपर्क टूट गया है गिरिराज से, लेकिन बताते चले कि बोरवेल में फंसी जो महिला थी वो जिंदगी की जंग हार चुकी है। तो भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर अगरपुरा गांव के लोगों ने सालों बाद भी गांव की सड़क नहीं बनने पर विरोध का अनूठा तरीका निकाला है। गांव वालों ने कीचड़ वाली सड़क पर इकट्ठा हुए और वहां कीचड़ में लेटर विरोध जताया है। अगरपुरा गांव से कोटरी तो दौसा के रामकरण जोशी स्कूल मैदान में महिला अधिकारिता विभाग ने अमृता हॉट का आयोजन किया और 8 फरवरी से शुरू अमृता हॉट 12 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों की महिला स्वयं सहायता समूह के तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि इन उत्पादों को बाजार मिल सके और महिला स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। और उधर दौसा के गंगापुर सिटी रेलवे प्रोजेक्ट पर लालसोट इलाके में डीटवाना से इंदावा गांव के बीच प्रदेश की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग का काम पूरा हो चुका है। सुरंग में ब्लास्ट लेस्ट ट्रैक बिछाया गया है और ट्रैक पर रोड़ी जगह सीमेंट के ब्लॉक बिछाए गए हैं जिससे कि बारिश के समय पानी के कटाव से रेलवे ट्रैक सुरक्षित रह सके। रेलवे सुरंग का निर्माण का काम दिसंबर 2010 में शुरू हुआ था। करीब 13 साल बाद प्रदेश की सबसे बड़ी रेल सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता से पहले दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक पर रेल का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। तो डिडवाना शहर के हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर अतिक्रमण करने वाले सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए हैं लेकिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अरसे बाद अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। अतिक्रमण पर लाल निशान लगा करके अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं लेकिन उनमें किसी का खौफ नजर नहीं आ रहा है। ये जो मैटर चल रहा था राजस्थान हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में, इसमें जो मेगा हाईवे है इससे अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और इसके बारे में हमने सुनवाई कर ली है। सुनवाई के बाद में ये जो फाइनल कार्रवाई चल रही है, फाइनल कार्रवाई में हम जो जगह है जहाँ से अतिक्रमण हटेगा वहाँ पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा रहे हैं, उसके पश्चात जो आगामी कार्रवाई है वो प्रस्तावित है। जैसलमेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्मी अलवर से ट्रांसफर कर पोस्टिंग किए गए फिजिक्स के टीचर सतीश चौधरी का विरोध होने लगा। टीचर्स के साथ साथ अभिभावकों का कहना है कि जिस टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप है उसे निलंबन के बाद स्कूल में कैसे आखिर पोस्टिंग दी जा सकती है। इस बाबत शिक्षक संघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बताते चले कि किशनगढ़ बास के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले फिजिक्स के टीचर पर छात्रा से छेड़छाड़ के बाद उसको निलंबित कर दिया गया था लेकिन प्रशासन ने अब उसका तबादला मुख्यालय अलवर से 800 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर के सम स्कूल में कर दिया है। तो चलिए आपको सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं।
वीर प्रजापति की आज के इस वीर प्रजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान के वार्षिक उत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ नेता आपके अपने ही सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी खीपसर साहब, मेरी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री कानून और संसदीय मंत्री सम्माननीय जोगाराम जी पटेल साहब, आपकी अपनी मंत्री बहन मंजू वाघमार जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सम्माननीय राजेंद्र गहलोत साहब और आज के अपने ही जिन्होंने एक अच्छे प्रशासनिक के रूप में भी काम किया और अच्छे एक नेता के रूप में भी, मंत्री के रूप में भी काम किया और इस संस्था को भी जिस खूबी से वो संभाल रहे हैं, ऐसे सम्माननीय सी आर चौधरी साहब जो आपके अपने हैं, हमारी नागौर की पूर्व सांसद हमारी बहन ज्योति मिर्धा जी, हमारे विधायक लक्ष्मण राम जी मेघवाल साहब, श्री मध्य प्रदेश पेजा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई लक्ष्मी नारायण जी गौरा साहब, सुरेश राठी जी, माधवदास मोदी जी भामासा, धर्मेंद्र जी टापड़िया जी, हिमांशु शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जगवीर छाबा जी और हमारे पूर्व विधायक मोहन राम जी, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी जी, सुरेश सुथार जी, रामनिवास सांकला जी, जिला अध्यक्ष नागौर सुखराम जी, फिडोदा सचिव संदीप जी डागावाल साहब, आर के जीसा साहब, पद्म श्री हिम्मत राम जी और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मेरे मंच पर विराजमान अतिथिगण एवं पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इस कार्यक्रम में आए सभी अभिभावक बंधु और इस शिक्षण संस्थान की मेरी प्यारी बच्चियां, माता बहने और इस शिक्षण संस्थान के सभी, इस संस्थान को चलाने वाले सभी कर्मी, मैं आपको सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं तेजाजी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं, शीश नवाता हूं, क्योंकि माननीय महाराज तेजाजी जिन्होंने जिस तरह के संस्कार दिए, उन्होंने समाज में एक जो संदेश दिया, निश्चित रूप से हमारे ऐसे तेजाजी महाराज हमारे इस राजस्थान के प्रेरणादायक पुण्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं। मित्रों, मैंने देखा है ये ऐसी संस्थान जो मन से काम करती है, ऐसी संस्थान क्योंकि इन संस्थान के माध्यम से हम एक समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें,
हमारी बहनों की आबादी 50% है और हमारी बहनें, आपने देखा होगा, हमारा हर जगह हमारी बहनों ने जिस तरह से अपना योगदान देते हुए इस भारत की मजबूती प्रदान की है, मैं ऐसी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर हमारी बहनें बढ़ेंगी, हमारी महिलाएं बढ़ेंगे तो देश नहीं विश्व का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जिस डिवोशन के साथ हमारी महिलाएं काम करती हैं, हम आप सभी जानते हैं, हमारी बहनों के ऊपर डबल जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो तीसरी जिम्मेदारी लेने को भी तैयार रहती है। अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो बखूबी निभाने का काम हमारी बहनें करती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्था के, जिन्होंने की इस संस्था को बनाने का काम किया, ऐसे सम्मानीय डागा साहब को कि उन्होंने इस संस्थान को ऊंचाइयां दी और एक इस संस्थान को बढ़ाने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीआर चौधरी साहब को कि डागावासी साहब ने जो इस संस्थान का निर्माण किया उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने कल ही हमारा बजट आया, हमने महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की पढ़ाई के लिए, जन्म से लेकर के हमारी बहन किस तरह से सशक्त होती है, हो सकती है हमारी महिलाएं किस तरह से सशक्त हो सकती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले हमने कहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछली सरकार में महिला अत्याचार हुए थे, हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि महिला अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने महिलाओं के लिए अलग स्क्वाड फोर्स बनाने का काम किया है। और हमने ये भी कहा है कि महिलाओं की अलग से हम भर्ती की जाएगी और पुलिस में महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बनने का काम करें और महिला हमारी सशक्त। यही नहीं मित्रों, हमें लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो, हमारी बहनें स्वयं अपना काम करें, अपनी आय बढ़ाएं, परिवार में उनकी हिस्सेदारी हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर भी 11,25,000 हमारी लखपति बहना है जिन्होंने आगे बढ़ करके काम किया है। हम आगे और बढ़ाना चाहते हैं, हमारी सरकार कल्पबद्ध है, वचनबद्ध है महिला उत्थान के लिए कि हम महिलाओं का किस तरह से उत्थान कर सकते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला SHG बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना देकर के हम उन 28 लाख महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति महिला को ऋण देने का काम करेंगे, जिससे कि वो अपना खुद का हुनर देख करके काम कर सके। जैसा मैंने कहा, एंटी रोमियो स्कार फोर्स का हम गठन करेंगे, 10,000 बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने का हम काम करेंगे, 10,000 बालिकाओं के लिए सह शिक्षा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक अभियांत्री महाविद्यालय की छात्राओं को
30% आरक्षण देने का भी हम काम करेंगे, जिससे हमारी बहने पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में हमारा अभियान के क्षेत्र में काम कर सके। ये भी हमने काम किया है। हमने वादा किया था बहनों से कि हमारी सरकार आएगी, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को हमने 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ा बल हमारी बहनों को इससे मिलेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि अभी अभी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पूरे देश के अंदर वृक्ष संकल्प भारत का आयोजन हुआ था। हमारे राजस्थान में भी वृक्ष संकल्प भारत की यात्राएं हर पंचायत के अंदर गई थी। हमने उसमें कहा है कि हमारी महिलाओं को उसमें रोजगार के अवसर भी हम देंगे। और यही नहीं, हमने इतना ही नहीं कहा, हमने उन बहनों को रोजगार देने के अवसर को आगे बढ़ाने का भी हमने काम किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमने उनको चिन्हित भी किया है। हमने कहा है हमारी जो योजना 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिन योजनाओं को हमने किया है उनका आंकलन भी होना चाहिए, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए। हमारी कितनी बहनों को उन योजनाओं का फायदा मिला है, कितने भाइयों को हमारे उन योजनाओं का फायदा मिला है। और यही नहीं, हमने कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति उस योजना से रह नहीं जाए, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसलिए कि उस योजना में जो भी पात्र व्यक्ति हो उसको उस योजना का लाभ भी मिले। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, इस योजना का लाभ भी हमें मिला। हमने देखा है कि जो पात्र व्यक्ति है उसको उसका लाभ मिला है। और मैं आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम सभी की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस योजना का लाभ, मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहता है जिसको इसका लाभ होना आवश्यक है, मेरे मोहल्ले में कौन ऐसा रहता है जिसको इस योजना की आवश्यकता, मेरे गांव में ऐसा माता बहने कौन रहती है, ऐसा कौन सा मेरा भाई रहता है जिसको योजना की आवश्यकता है। उन सभी